लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 29 इंडिया। मैं सानिया जी, नई नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। मंदसौर जिले के श्यामगढ़ में जीआरपी पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के रोकथाम के लिए चलाया चेकिंग अभियान, तो युवकों को मादक पदार्थ डोडा चूरा के साथ पकड़ा। नसरुल्लागंज में धड़ल्ले से बिक रही दूषित मिठाइयां, बीकानेर स्वीट्स की दुकान से खरीदी हुई मिठाइयों में निकले कीड़े। खरगोन जिले में एक व्यक्ति को 3 बार तलाक बोलना पड़ा महंगा, पीड़ित महिला परिजनों के साथ पहुंची कोतवाली थाना, पति के खिलाफ की शिकायत। मंदसौर जिले के श्यामगढ़ में जीआरपी पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के रोकथाम के लिए चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान पुलिस ने प्लेटफॉर्म से 2 संदिग्ध लोगों को रोक कर तलाशी ली, तो उनके बैग से 9 किलो 600 ग्राम अवैध मादक पदार्थ बरामद किया। पूछताछ पर हिरासत में आए लोगों ने बताया कि वे अवैध डोडा चूरा लेकर दिल्ली की ओर जा रहे थे। पूछताछ में दोनों ने अपना नाम देवेंद्र पटेल निवासी नेमावर जिला देवास और संतोष जाट निवासी काकरिया ग्राम देवास बताया। पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। डीजीपी महोदय के आदेश अनुसार 1 महीने की मुहिम मादक पदार्थों के अपराधियों को पकड़ने की चल रही है। इस दरमियान चेकिंग के दरमियान 2 व्यक्ति संदिग्ध हालत में बैग लिए हुए जाते हुए दिखे, जिन्हें रोककर बैग की चेकिंग की गई। उस बैग में अफीम का डोडा चूरा भरा हुआ था। उनसे अपना नाम पता पूछा तो उन्होंने अपना नाम बताया, देवेंद्र पटेल निवासी नेमावर रोड जिला देवास। दूसरे ने अपना नाम बताया, संतोष जाट निवासी काकरिया ग्राम देवास। उनके पास परमिट के बारे में पूछा गया तो परमिट नहीं होना बताया गया, जिस पे अवैध रूप से ले जाते हुए पाए गए, जिस पर थाने पर अपराध क्रमांक 42-19 धारा 8/15 NDPS एक्ट का कायम कर अनुसंधान में लिया गया। ये कहाँ से लाए थे और कहाँ ले जा रहे थे? ये देवास से ला रहे थे और दिल्ली तक जा रहे थे। किसी का नाम बताया सर, किससे खरीदा है माल इन्होंने? सर उन्हें अभी तक नहीं बताया है, धड़ल्ले से दूषित मिठाइयां बिक रही हैं। खाद्य विभाग नसरुल्लागंज जाकर खाना पूर्ति कर चले जाते हैं, दुकानों से सैंपल ले लिए जाते हैं, लेकिन आज तक एक भी सैंपल की रिपोर्ट नहीं आई। ऐसे ही अधिकारियों की मिलीभगत से दूषित सामग्री बेचने वालों का गौरख धंधा धड़ल्ले से चल रहा है। एक ऐसा ही मामला नसरुल्लागंज में देखने को मिला, जब ग्राहक बीकानेर स्वीट्स की दुकान से मिठाई लेकर अपने घर पहुंचा और बच्चों के सामने मिठाई का डब्बा खोला तो उसमें कीड़ा नजर आया। पहले भी यहां की मिठाई में से बाल निकला था। यहां से मिठाई खरीदने वाले अवधेश पवार ने बताया कि दुकान से रक्षाबंधन के लिए मिठाई खरीद कर घर ले जाकर बच्चों को मिठाई देने के लिए मिठाई के टुकड़े किए तो उसमें से कीड़े निकले। मौके पर पहुंचकर मिठाई खरीद कर दुकानदार के सामने ही मिठाई के टुकड़े किए तो उसमें से भी कीड़े निकले। नसरुल्लागंज में आए दिन मिठाई की दुकानों में मिलावट व मिठाइयों में कीड़े निकलने के मामले सामने आने के बाद भी खाद्य विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती। खाद्य अधिकारी भावना ठाकुर से इस मामले में जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया है कि हमारे द्वारा मिठाई का सैंपल लाए गए हैं। आपको बता दें कि कुछ समय पूर्व भी खाद्य अधिकारी भावना ठाकुर द्वारा दुकानों व खाद्यान्न भंडारों को चेक कर सैंपल लिए जा चुके हैं, परंतु आज दिनांक तक किसी के खिलाफ कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुआ, जिसके चलते स्वीट्स मालिक घटिया खाद्य पदार्थ उपभोक्ताओं को परोसने का काम कर रहे हैं। ये है क्या? वो ये दिखता रहा है। क्या है देखने? ये देखना क्या है ये?
इसमें क्लियर आ रहा है? नहीं क्लियर, आप देख लो इसमें कुछ नहीं है सर, ये खोए का ही आइटम है, बाकी ना कीड़ा है। आप यही तो ये कल आपके यहाँ से मिठाई ले रहे हो, उसमें कीड़ा नहीं? आज ही ले गए, आज ही ले गए हैं आज। हाँ उसमें कीड़ा है, इसमें मिठाई में चूड़ी निकली थी। कहाँ से खरीदी मिठाई? दुकान से। कितनी खरीदी थी? 250 ग्राम। फिर क्या हुआ उसमें? एक पीस निकाला तो मैंने बांका होशंगाबाद पहुँचा दिया जी। उसमें से देखा तो एक में चूड़ी निकली, तो उसके बाद दोबारा दूसरा लिया 250 ग्राम, फिर भी निकली, उनके सामने ही निकली। फिर आपने क्या कहा उनको? दुकानदार को दिखाया तो कह लगे ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद तो ये धर्मेंद्र भैया भी थे साथ में अपने, उनको भी दिखाई हमने, उनने भी देखा कि हाँ उनकी ट्रे में थी। हाँ उनकी ट्रे में नहीं, मिठाई के अंदर थी। मतलब वही वही थे, वही मिठाई ली से उसमें भी निकली। हाँ उसमें फिर क्या बोलने लगे ये? उनने तो कुछ नहीं बोला, उनने गलती चेक करी, फिर एक और बोले, पता नहीं क्या बोले उनसे भैया जी से, तो उनने बोला कि हम ठीक है, हम करते हैं कार्रवाई। नसुल्लागंज से अमित शर्मा की रिपोर्ट। खरगोन जिले में एक व्यक्ति को 3 बार तलाक बोलना महंगा पड़ गया। पीड़ित महिला परिजनों के साथ थाना कोतवाली पहुंच गई। खरगोन निवासी अमरीन का निकाह 3 माह पहले सद्दाम से हुआ था। उसके बाद सद्दाम ने अमरीन को मानसिक शारीरिक रूप से परेशान करना शुरू कर दिया और 3 बार तलाक 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 बोलकर घर से धक्के मारकर भगा दिया। इसके बाद अमरीन अपने परिजनों को लेकर कोतवाली थाना पहुंच गई। अमरीन ने उसके पति के उसके भाभी के अवैध संबंधों के बारे में बताया और 3 तलाक के बने नए कानून के तहत रिपोर्ट लिखाने की बात कही। पुलिस ने अमरीन को इंसाफ दिलाने का भरोसा दिलाते हुए धारा 498 और 3 तलाक पर बने नए मुस्लिम एक्ट कानून की धाराओं के तहत रिपोर्ट दर्ज की है। इसके तहत आरोपी को 3 वर्ष के सश्रम कारावास के साथ अर्थदंड का भी प्रावधान है। सद्दाम ने और इस्लामुद्दीन ने, दो ही ने। उनके सामने बोला नहीं, मेरी घर वाली छोड़ने गई थी नहीं। फोन लगा के मेरे पति ने मुझको मारी, मेरे ऊपर पेड़ गया था, तकिया मेरे मुंह से रख दिया था, हाथ पैर बांध देते मेरे। वो फिर मेरे को पैसा कहता 1 लाख रुपये ला, मैं गेरी डालूंगा। मैं पैसे ले जाती थी तो मेरे को मारता था, रोज 1 बजे से मारता था तो मेरे को 2:30 बजा देता था रात को। 3 तलाक उसने जुम्मे के दिन एक साथ 3 तलाक दिया मुझे, कि तेको तलाक तलाक तलाक। वो घर से निकाल दिया? वो घर से धक्के मार के जेठ जिठानी ने और मेरे पति ने, तीनों ने निकाला। मतलब शादी हुई जब से ही दहेज की मांग कर रहे? हाँ जब से दहेज की मांग करता था, क्योंकि पैसा ला दहेज ला, सोना चांदी कम लाइए, दहेज कम है। आप क्या चाहते हो? नहीं उसको सजा दो, बहुत मारपीट करता है। कितना समय हो गया शादी को? मेरी शादी को, मेरे को इंसाफ चाहिए, मेरी शादी को 3 महीने ही हुए, जब से ब्याह के लेके जब से मुझे मारता है वो। अब तो 3 तलाक कानून बन गया है, कानून बन गया है, 3 तलाक दे नहीं सकते? नहीं उसने दे दिया, उसने फिर भी नहीं सोचा कि कानून बन गया तो मैं क्यों तलाक दूँ। तो वो कानून के तहत ही कार्रवाई की मांग करेंगे? हाँ अब मेरे को तो इंसाफ चाहिए, मेरी जान को खतरा है, उसके साथ रहूंगी तो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमरीन है। का नाम क्या? उसका नाम सद्दाम है। कहाँ रहते हैं? हम रंगरेज वाड़ी दिए, हम रहते कुमारवाड़े पे। ससुराल कहाँ है? रंगरेज वाड़ी का है। हमारे जेठ जिठानी ने हमारा घर तोड़ा है। जेठ का नाम इस्लामुद्दीन है और जिठानी का नाम राबिया है। कुछ अवैध संबंध भी तुम्हारे पति? हाँ मैंने खुद देख लिया, पाँव दाबती गोदी में सुला लेती, सर दाबती, मैं कहती मैं हूँ ना, मैं आपका दाबूंगी, तो कहती नहीं वो मेरा पति है। उनको एक मेरी जिठानी बोलती है मेरा सोहर है तेरा सोहन नहीं है। मैंने बोला भाभी ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि नहीं मेरा पति है तेरा पति नहीं है। और मैंने एक कमरे में भी इन दोनों को देख लिया, मेरे कमरे में दो ही सो जाते, सब कुछ करते हैं। और मेरे को मारी मेरी जिठानी ने और जेठ ने भी, गालियाँ बहुत गंदी गंदी बकी दोनों ने। कुमारवाड़ा की रहने वाली है आवेदिका अमरी, पिता खलील बे, इनकी 4वें महीने में शादी हुई थी। तो उनके ससुराल वाले इनको दहेज के लिए परेशान करते थे और इनका जो पति है सद्दाम, इन्होंने इनको 3 तलाक बोलकर तलाक दे दिया। तो इसलिए वो आज थाने पर शिकायत करने आई थी। तो थाने पर धारा 498 और द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन वन मैरिड एक्ट 2019 की धारा 4 के तहत पंजीकृत किया जा रहा है।
नया जो कानून लागू हो गया, इसमें मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन वन मेरिट एक्ट 2019 उसकी धारा 4। खरगोन से सलाम अंसारी की रिपोर्ट। अयोध्या में दो दिन पूर्व हुई युवक रामनंदन सोनी की वारदात से पुलिस ने पर्दा उठाने का दावा किया है। पुलिस का दावा है कि अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए पुत्र ने अपने परिजनों के साथ मिलकर युवक रामनंदन सोनी की ईंट से मारकर और गले पर ब्लेड से वार कर हत्या कर दी थी। पुलिस ने वारदात में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 आरोपी अभी भी फरार है। एसपी सिटी ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि अयोध्या कोतवाली क्षेत्र में वर्ष 2012 में व्यवसायी राजकिशोर गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्या में रामनंदन सोनी नाम का युवक हत्या के आरोप में गिरफ्तार हुआ था और जमानत पर इस समय वह जेल से बाहर था। बताया जा रहा है कि मृतक रामनंदन सोनी अक्सर राजकिशोर गुप्ता के परिवार के सदस्य से अभद्र भाषा में बात करता था। इस घटना का बदला लेने के लिए मृतक राजकिशोर के परिवार के लोग मौके की तलाश में थे। इसी बीच मृतक व्यवसायी राजकिशोर गुप्ता के पुत्र उमंग गुप्ता ने अपने संबंधियों के साथ मिलकर कोतवाली क्षेत्र के मोहबेरा के पास घेर कर रामनंदन सोनी को पीटा और ईंट से उसके मुंह को कुचल दिया और फिर गले पर ब्लेड से वार कर उसकी हत्या कर दी। 17 अगस्त को रानोखाली क्षेत्र में एक 35 वर्षीय युवक की डेड बॉडी मिली थी और वहाँ पर गले पर सर में चोटें थीं और उनकी पहचान रामनंदन सोनी के रूप में हुई। और इसमें जो मृतक है, मृतक की पत्नी के तरफ से जो है थाना अयोध्या में अभियोग पंजीकृत हुआ और इसमें जो 6 नामजद कराए गए थे, SHO अयोध्या और उनकी पूरी टीम ने लग करके इसमें अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने के लिए प्रयास किया और सफलता मिली। आज इसमें इस केस में 4 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं और इनके विरुद्ध जो है कार्रवाई की जा रही है। अयोध्या से मोहम्मद आलम की रिपोर्ट। खरगोन में मंगलवार को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गवासी राजीव गांधी का जन्म दिवस सद्भावना दिवस के रूप में मनाया गया। शहर में खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने दौड़ का आयोजन किया। जिला खेल अधिकारी पवि दुबे ने बताया कि दौड़ सुबह 8:30 बजे DRP लाइन मैदान से प्रारंभ हुई और वापस DRP लाइन पर ही खत्म हुई। दौड़ में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय आने वाले प्रतिभागियों को मेडल और सर्टिफिकेट प्रदान किए गए। जोरदार ताली और बालिका के लिए। ये निश्चित ही आने वाले समय में जोरदार तालियां, ताली की कमी नहीं आना चाहिए। विकास सर के नेतृत्व में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है, जोरदार तालियां, कृपया ताली की कमी ना हो। इसलिए विनोद निगवाल जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ये रैली जो है आज पूरा दिन ही वैसे सद्भावना दिवस के रूप में मना रहे हैं और खेल विभाग ने इसमें अपना कंट्रीब्यूशन किया है और दौड़ के रूप में इसको मना रहे हैं और साथ में हम लोग वृक्षारोपण कर रहे हैं ताकि हम प्रकृति के लिए भी कुछ अच्छा कर सकें। क्या आज इस दिन क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम यही कहेंगे क्योंकि हम स्पोर्ट्स वाले लोग हैं तो आप जुड़े रहें, ग्राउंड से जुड़े रहें, खेलों से जुड़े रहें और प्रकृति का भी ध्यान दें और अपने आप का भी ध्यान दें। खरगोन से सलाम अंसारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस ब्रिटेन में बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।